प्रसाद है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सबको एक समान टिफिन मिलता है। भोपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोहरा समाज के करीब 1,30,000 परिवारों को रात के वक्त का खाना इसी के जरिए पहुंचाया जाता है। हर दिन के खाने का अलग मेन्यू है। खाने में पौष्टिकता और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इसके लिए खानसामे की विशेष वर्कशॉप भी होती है। टिफिन पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। दाऊदी बोहरा समाज का पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पर दाऊदी बोहरा समाज के लोग रहते हैं, वहां वहां पर एक टाइम का खाना डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानी साहब की तरफ से प्रोवाइड होता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खाड़ी देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत दुनिया के 1100 स्थानों पर ये व्यवस्था चल रही है। जापान में 40 बोहरा परिवार हैं, जिनके लिए मलेशिया से एक हफ्ते का भोजन कुरियर से भेजा जा रहा है। पूरे समाज को एक साथ भोजन देने का ख्याल दाऊदी बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन साहब का ही था, जिसे लागू उनके वारिस शहजादा अली कादर मुफद्दल सैफुद्दीन भाई ने करवाया। आज से तकरीबन 30 साल पहले हमारे जो सैयदना साहब हैं, उनके शहजादे सैयदी मुफद्दल भाई साहब, उन्होंने 30 साल पहले मिसर, जो इजिप्ट में गांव है मिसर, वहां पर यह सिस्टम लागू किया कि कोई भी रात को भूखा न सोए, कोई भी अपने कौम का कोई भी हो वो रात को भूखा ना सोए, उनको फिक्र ना हो कि रात को क्या खाना मिलेगा। तो ये सिस्टम, थाली की सिस्टम 30 साल पहले वहाँ आपने लागू की थी, और उसके बाद आज से एक साल पहले 2011 में जो रमज़ान आया, उसमें इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि सैयदना साहब की भी खुशी है और उनकी भी खुशी है कि पूरे दुनिया में जहाँ कहाँ दाऊदी बोहरा रहते हैं वो सबके घरों में एक साथ में खाना बन के जाए, रात का खाना या दोपहर का खाना, कोई भी घर में रात को भूखा ना सोए। एक समान खान पान की व्यवस्था लागू करने से पहले सैयदना साहब समाज में अमीर गरीब का भेदभाव दूर करने के लिए सबका पहनावा एक सा कर चुके हैं। जिस तरह पहनावे से भेदभाव दूर होता है, उसी तरह टिफिन की इस व्यवस्था ने भी समाज पर असर डाला है। इसके कई फायदे अब सामने आने लगे हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है। इस व्यवस्था ने कई परिवारों की आर्थिक हालत भी सुधारी है। सर, जब से थाली का सिस्टम शुरू हुआ है तब से ये फायदा है कि हम अपने बच्चों को खुद ही घर में पढ़ाते हैं। उससे ये हुआ कि बच्चों को जो पहले जो परसेंटेज जो आती थी उससे अब हाईएस्ट परसेंट आती है, और घर के मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पर भी पूरा तरह से ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा वह दूसरा काम और भी करते हैं कि जैसे सिलाई के लिए जो जो औरतों के पास कोई काम नहीं है, तो खुद में इस काम के अलावा पढ़ाई के बाद में टाइम निकाल के हम खुद में कटिंग करती हूँ, कटिंग करके दूसरे को घर घर में लोगों को सिलाई के लिए काम देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भोजन की यह व्यवस्था सामाजिक बदलाव की वजह बन रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, खंडवा, उज्जैन और बुरहानपुर में बोहरा समाज के लोगों की खासी तादाद है, जहां सेहत के साथ महिला सशक्तिकरण में यह व्यवस्था अहम रोल अदा कर रही है। बोहरा समाज ने तो हर व्यक्ति को भोजन सुनिश्चित करने की मिसाल कायम कर दी है, भेदभाव को खत्म करने की पहल कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकारें ऐसा करने में क्यों अक्षम हैं? क्यों बराबरी के मुद्दे पर हम आज तक योजनाएं बनाने में ही व्यस्त हैं?
नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। हमारी आज की खास पेशकश है, ऐसी मिसाल देखी है कहीं? आपने भी देखा कि एक समय एक सा भोजन, ऐसी व्यवस्था बोहरा समाज को किस तरह बदल रही है। इससे बराबरी का संदेश तो जाता ही है, साथ ही समाज की आर्थिक स्थिति भी इससे सुधर रही है, महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश में फैले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार को भी कुछ ऐसी ही पहल करनी चाहिए? क्यों आज तक हम ऐसी योजना नहीं बना सके जो जमीनी स्तर पर ये सुनिश्चित कर सके कि कोई भूखा नहीं सोएगा? अपनी खास पेशकश में आज इसी पर हम बात करेंगे, साथ ही बोहरा समाज की इस अनूठी पहल पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आमिल साहब जुड़ गए हैं, जो कि भोपाल रेंज के जितने इलाके हैं उनके हेड हैं और साथ ही साथ सैयदना साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आमिल साहब, आज बोहरा समाज बकराईद भी बना रहा है, तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपको ढेर सारी मुबारकबाद बकराईद की भी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि क्या हमारे देश में इस तरह की कोई पहल नहीं की जानी चाहिए? आखिर सरकारें अब तक कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बना पाई जो ये सुनिश्चित करे कि कोई भूखा ना सोए, किसी तरह का भेदभाव लोगों में ना हो? इस पहलू पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एस एन चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि समाज शास्त्री है। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले आमिल साहब से ही मैं बात करना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये सिर्फ एक समय के भोजन की बात नहीं है, ये बात है एक सुखद बदलाव की, और परिणाम हमारे सामने है, आपके सामने है, हर कोई देख पा रहा है। तो इस सोच की, इस नेक सोच की शुरुआत कैसे हुई? सैयदना साहब के उत्तराधिकारी आली कदर सैयदी मुफद्दल भाई साहब सैफुद्दीन, आज से 30 साल पहले जी मिसर में, इजिप्ट में ये योजना शुरू की। जब इंडिया से बोहरा समुदाय इजिप्ट कूच कर रहा था, इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर आपने ये कहा कि जो भी यहाँ पर इजिप्ट बसाएगा तो सबसे पहले तो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो भोजन होगा, तो भोजन की सुविधा सैयदना साहब की तरफ से आपने वहां पर उपलब्ध करवाई, और उसके जो परिणाम आए कि आज सैकड़ों फैमिली बोहरा की जो है तो इजिप्ट में आराम से रह रही है। इजिप्ट में बीच में कुछ मुश्किल भी आई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस वक्त भी ये योजना तो अपने चरम सीमा पर थी, और जनरल पब्लिक जो इजिप्ट में थी उन्होंने भी इसका साथ दिया कि ये बहुत अच्छी चीज है और ये तो जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह से वो भारत में भी आई और उसके अच्छे परिणाम हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन आमिल साहब, जब भी इस तरह की कोई एक योजना की शुरुआत की जाती है, जैसे कि बोहरा समाज ने की है, बोहरा समुदाय के लोगों ने की है, तो उसमें फंडिंग का एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि स्पॉन्सर कौन करेगा, पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि सबके घरों में एक समय का भोजन भेजने की बात हो रही है जिसमें खर्चा तो आएगा, तो इसको किस तरह से आपके समुदाय के लोगों ने सॉर्ट आउट किया? फंडिंग का जहां तक सवाल है, दुनिया के लोग सबसे पहले उसे रखते हैं और हम उसको सबसे आखिरी में रखते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि सैयदना साहब ने फरमाया तो ये काम तो होना चाहिए। बिल्कुल, जब दिल में ये जज्बा रहेगा कि नहीं, हमें सैयदना साहब ने फरमाया, उनके फरमान को माथे चलाना है, तो ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाते हैं, और सैयदना खुद फंडिंग की व्यवस्था भी कर देते हैं। सैयदना ने ऐसा तैयार किया है लोगों को कि जिनके पास में पैसा है तो वो खुद आगे रह करके इसके बारे में पेशकश करते हैं कि भाई हम एक भोपाल में एक दिन का खर्चा 60,000 का है जी। तो कोई साल भर में कोई एक दिन लेता है, कोई दो दिन, कोई तीन दिन, कोई पांच दिन जी। तो किसी ने 5 दिन लिया तो 3 लाख रुपए वो किस्तों में एक कमेटी होती है, कमेटी को वो लाके अदा कर देता है जी। तो इस तरह से साल भर का पूरा फंडिंग हमारे पास में जमा हो जाता है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मेरे पास में, मैं खुद भोपाल का आमिल हूँ और यहाँ पर पूरा व्यवस्था करता हूँ, मेरे पास में अभी इतने पैसे जमा है कि मुझे आगे 3-4 साल तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने आमिल साहब ये भी कही कि सोच पहले है, खर्च या पैसे कितने लगेंगे ये वाली बात आखिरी में अगर हम रखें तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उस जो योजना हमने बनाई है उस पर अमल किया जा सकता है। एक और सवाल यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये क्रियान्वयन हुआ, उसके धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे, तो अब किस तरह का बदलाव आप अपने समाज के लोगों में महसूस करते हैं? क्या परिवर्तन ये सोच ला पाई है आपको लगता है? सबसे बड़ी चीज तो मोहब्बत पैदा हो गई है, क्योंकि हम सब एक थाली में खा रहे हैं, एक जैसा भोजन तनावल कर रहे हैं, और इसमें सैयदना साहब का प्रसाद है, सैयदना की दुआएं हैं, मोहब्बत है, और ये भोजन की वजह से तबीयत भी जो है तो बीमारियां भी कम हो गई है, क्योंकि सही भोजन मिलने जा रहा है जी। बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी भी है लेकिन उसके पास वक्त नहीं है भोजन तैयार करने का, तो एक भोजन तैयार करके 2-3 दिन तक वो खाना खाता है, लेकिन ये व्यवस्था होने पर हर आदमी को रोज ताजा भोजन खाने को मिल रहा है।
स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहा है और सही अपना की दुआ तो है साथ में। तो अभी पिछले एक साल से मैंने देखा है कि बहुत कम लोग जो है बीमार हुए हैं, बहुत कम लोगों को कुछ तकलीफें हुई हैं और बाकी का जो वक्त बचा है उसमें बहुत अच्छे बहुत बिल्कुल। तो एक इतनी एक नेक सोच हम कहेंगे ऐसे और जिस तरह से क्रियान्वयन इस पूरी योजना का हुआ, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे बदलाव, बहुत अच्छा परिवर्तन, एक सुखद बदलाव जिसे हम कह सकते हैं वो बोहरा समाज के लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन दुनिया के हालात बहुत ज्यादा अभी भी बेहतर नहीं हुए हैं। आपको कुछ आंकड़े अगर मैं बताऊं, 852 मिलियन लोग आज भी ऐसे हैं जो हर रात भूखे सोते हैं और 16,000 बच्चे पूरी दुनिया में हर रोज सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो भूखे रहते हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ के भी हालात ज्यादा जुदा नहीं है। इस पर हम बात करना चाहेंगे कि आखिर भारत में इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं लागू हो पा रही हैं। हमारे साथ एसएन चौधरी जी जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई पहल शासन के द्वारा इस ओर नहीं की जा सकती जैसे बोहरा समाज ने कर दिखाया है? उस तरह का कोई एक स्टैंडर्ड हम अपने यहाँ पे, कोई एक मिसाल हम अपने देश में कायम क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो बोहरा समुदाय के लोगों ने जो यह कदम उठाया, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रश्न है और यूनिफॉर्मिटी लानी है मतलब ड्रेस में, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं इनको और इसका लोक व्यापीकरण होना चाहिए। परंतु जहां तक शासन का प्रश्न है, शासन ने कुछ योजनाएं चलाई है, जैसे आपने देखा कि स्कूल के अंतर्गत गांवों में या शहरों में जहां पर अधिकांश गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं उनके उसके लिए उन्होंने मिड डे मील की योजना, मध्यान्ह भोजन की योजना चलाई है। तो इस प्रकार क्या गांव में आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्यरत है। लेकिन यह सब जो मुद्दे हैं ये सामाजिक मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दों से धीरे धीरे क्या हुआ है कि अगर आप कम से कम 50-60-70 वर्ष का इतिहास अगर देखें तो आप देखेंगे कि शासन का ध्यान सामाजिक मुद्दों से पीछे हटता चला गया है। परिणाम यह हुआ है कि शासन ने एक और तो आश्वासन दिया लोगों को कि आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और दूसरी ओर कई कारणों से जिसमें लाल फीताशाही मतलब प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव एक तरह से कह सकते हैं, भाईचारा का अभाव, दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का अभाव, इन सारी चीजों के कारण और ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई है, पॉलिटिकल विल की कमी होती चली गई है। परिणाम तो योजनाएं तो हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, परंतु योजनाएं कागज के ऊपर है, जमीनी स्तर पर तृणमूल स्तर पर देखें तो ये कार्यरत नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि दिनों दिन बहुत सारे कल्याण और विकास की योजनाओं की संख्या बढ़ रही है और उसी रफ्तार में गरीबों की संख्या भी या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए शासन को अगर इससे दूर रखा जाए, यह योजना बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोगों को कुछ देने की इच्छा रही है और भारत की संस्कृति अगर देखें तो देने की संस्कृति का इतिहास पुराना है लेने की संस्कृति से या लूटने की संस्कृति से। तो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा कौन आदर्श पुरुष है जिसके पीछे लोग खड़े हों और इस प्रकार के डोनेशंस दे, दान दे। इसलिए मौली साहब ने जो कहा बहुत सही प्रश्न, उन्होंने कहा कि फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तव में किसी समुदाय के अंतर्गत फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो इच्छा शक्ति का और फंड किसको दिया जाए। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे चौधरी साहब कही कि जरूरत है, कमी है इच्छा शक्ति की, उसी की जरूरत है यहाँ पर शासन की। अगर हम बात करें चौधरी साहब, आपने कहा कि कागजों पर तो कई योजनाएं हैं, इनफैक्ट कुछ योजनाएं हैं जो हम चालू होती हुई चलती हुई देख भी रहे हैं, जैसे मिड डे मील का जिक्र आपने किया या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम पीडीएस कहते हैं उसकी बात आपने कही, लेकिन उसमें भी अच्छे परिणाम तो सामने आते ही हैं, लोगों का भला तो होता ही है, लेकिन धांधलियां, भ्रष्टाचार, मिलावट, ये सब शब्द भी साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे बोहरा समुदाय ने एक पहल की, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उसके किसी तरह का कोई झोलझाल उसमें नहीं दिख रहा है, ऐसा भारत में क्यों नहीं हो पाता है? क्या जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, या फिर दूसरी दिक्कतें हैं कि वोट बैंक शायद खो देगा या उतना अच्छा वोट बैंक शायद उन लोगों की मदद करने